अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 3। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है क्या, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। डेटा प्रोसेस साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो एक लैब कंप्लीट करती है पूरा, और उसके बाद वो मुकम्मल हमें तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कंप्यूटर से, वो एक मुकम्मल करके वो हमें दे देती है। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ डेटा, अब डेटा क्या चीज़ है, कहाँ से लाए हम ये डेटा, तो ये डेटा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है, हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है। डेटा जो हम देख रहे हैं, जो हम काउंट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें डेटा में शामिल होते हैं। ये एक रॉ फॉर्म में होता है डेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन में नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल आधा अधूरा होता है, यानी रॉ मटेरियल में होता है। आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा, जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम कर रहे होते हैं, उसमें एक मिक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीमेंट मिक्स किया जाता है। सबसे पहले उसमें सीमेंट डाला जाता है, बजरी मिलाई जाती है, जितनी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें मिलाई जाती है चीज़ें, पानी डाल के उसको एक मिक्सर में रख दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद ब खुद वो मटेरियल मिक्स होता रहता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जब हम तमाम डाटा कलेक्ट करके कंप्यूटर को दे देते हैं, यानी रॉ फॉर्म में आधी अधूरी चीज़, तो हम जब कंप्यूटर को दे देते हैं तो फिर वो उसको मुकम्मल करता है। जैसे मिक्सचर में मिक्स होता है वो तमाम सीमेंट का मटेरियल, इसी तरह कंप्यूटर भी डाटा को प्रोसेस करता है मुकम्मल करने के लिए, और जैसे ही वो मुकम्मल कर लेता है तो हमें जो है वो आउटपुट की फॉर्म में देता था, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे देता है उसको। इसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। पेज नंबर 3 ओपन कीजिए, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन बुक 1 वी लर्न दैट द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर किस तरह डाटा को प्रोसेस करता है मुकम्मल करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन के लिए। वी यूज़ इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड स्कैनर टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम अपना डाटा इंटर करने के लिए हम सब कुछ इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इनपुट डिवाइस हमारे पास सबको पता है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर में। एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स टू व्यू इंफॉर्मेशन। और जो है प्रिंटर और मॉनिटर के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट देख सकते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये तमाम काम कहाँ हो रहा है, ये तमाम काम जो है वो कहाँ हो रहा होता है, ये तमाम काम CPU के अंदर हो रहा होता है, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है हमारे को। द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसके अंदर कुछ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लगी हुई होती हैं लाइक रैम, एंड कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है लाइक हार्ड डिस्क एंड CDs। अब यहाँ मैं अगर कहूँ कि यहाँ हार्ड डिस्क और CDs का जिक्र किया गया है, अब इनका CDs का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अगर मैं कहूँ CDs की ज़्यादातर जो है वो जगह, यानी रिप्लेस कर दिया गया है CDs को किस में, USB में। USB ने आके CDs को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ भी हम एक नाम और ऐड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, CDs एंड USBs। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट दीज स्टेप्स एंड द डाटा प्रोसेस साइकिल। हम इस चैप्टर में और बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें डाटा प्रोसेस साइकिल किरदार अदा करती हैं। पहली हेडिंग पे आ जाइए, इसी पेज की, पेज नंबर 3 की, स्टेजेस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब स्टेजेस, इन्होंने पूछा है कि स्टेजेस क्या होती हैं, कि डाटा प्रोसेस साइकिल की क्या क्या स्टेजेस हैं, किस किस स्टेज से होता हुआ गुजरता है। सबसे पहला स्टेज, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ पहले रीड करूँ, फिर मैं आपको साइकिल दिखाऊंगी इसकी। द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज फंक्शन आर द कनेक्टेड टू ईच अदर। ये तीनों चीज़ें, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके मिलके काम करती हैं, तो ही मुकम्मल चीज़ हमारे सामने आती है। अगर ये तीनों अलग अलग काम करने लगे तो हमारे पास कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। दीज स्टेप्स टेक प्लेस इन अ सीक्वेंस। ये तमाम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, यानी लाइन वाइज चल रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो हम पहले कर लें, उसको बाद में कर लें और तीसरे वाले को बीच सेंटर में कर दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लाइन वाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा काम, तो ही मुकम्मल होगा, वरना नहीं। इन बुक 1 वी डिस्क्राइब दिस एज अ लीनियर सीक्वेंस। हम अपनी बुक 1 में, क्लास 6 में, हम लीनियर सीक्वेंस के नाम से ये पढ़ चुके हैं। इट बिगिंस विद द इनपुट स्टेज एंड एट द आउटपुट स्टेज। शुरू कहाँ से होता है, इनपुट स्टेज पे, और ख़त्म कहाँ होता है हमारे पास, आउटपुट स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। वी विल नाउ स्टडी दीज स्टेप्स एज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ साइकिल के।
This means that the end point of one sequence of activity becomes the starting point for another sequence of activities. अब आ जाइए जरा इसकी द लीनियर डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के ऊपर. आखिर किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये चलती है. सबसे पहले आपको मैंने बताया था इनपुट, फिर मैंने बताया था प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद बताया था कि आउटपुट आ जाता है यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है. आइए इसको देखते हैं. यहाँ पे बोर्ड पे अगर नजर डालें आपको, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट, यानी हमने रॉ फॉर्म में जो डाटा जमा इकट्ठा किया था अपने पास, जो हमने कंप्यूटर को दिया है वो रॉ फॉर्म में, ये रहा इनपुट. इनपुट की फॉर्म में दे दिया हमने, यानी हमने अपना डाटा दिया उसको. कंप्यूटर ने इनपुट करने के बाद क्या किया, उसको प्रोसेस किया. मुकम्मल करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत है. उसने क्या किया, प्रोसेस किया. उसके बाद उसने उसको कंप्लीट कर लिया. कंप्लीट कैसे किया, आउटपुट की फॉर्म में. आउटपुट आ गया हमारे पास. आउटपुट किस फॉर्म में आया, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में. यानी एक चीज़ को उसने, हमने जो है कंप्यूटर को एक चीज़ दी जो बिल्कुल आधी अधूरी थी, नामुकम्मल थी. उसने क्या किया, प्रोसेसिंग करके उसको मुकम्मल किया और हमें इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में उसने हमें दे दिया उसको. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, द इनपुट स्टेज. इसी पहली स्टेज, डेटा एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है डेटा. वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम अपने कानों के जरिए साउंड सुन सकते हैं. एंड सी ऑब्जेक्ट्स, हम अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है. ऑल द टाइम मुस्तकिल देख रहे होते हैं, सुन भी मुस्तकिल रहे होते हैं. ऐसा तो नहीं रहा कि हमारे कान बंद हो जाते हैं भाई. द इनपुट स्टेज इज द स्टेज व्हेन डाटा इज फीड इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू बी कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन. यानी हम जब इनपुट स्टेज से कोई भी चीज़, कोई भी डाटा फीड करते हैं किसमें, कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के तहत उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंफॉर्मेशन में. वी नो अबाउट द वेरियस डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड सच इनपुट. कुछ डिवाइसेस हमें मदद करती हैं इनपुट करने में. अब आ जाइए पेज नंबर 4 के ऊपर. बट वाई डू वी नीड टू इनपुट डाटा, हमें क्या ज़रूरत है डाटा इनपुट करने की. डेटा डज नॉट कंटेन एनी मीनिंग, क्योंकि डाटा की तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नामुकम्मल है हमारे पास. अ सीरीज ऑफ नंबर्स लाइक 35, 34, 33 एंड 32. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताइए कि नंबर किस चीज़ के हैं और क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप में से कोई नहीं बता सकेगा. सिर्फ इतना ही बता सकेंगे कि हाँ ये नंबर लिखे गए हैं, कोई ना कोई वजह होगी जो नंबर लिखे गए हैं, लेकिन ये नहीं बता सकेंगे क्यों लिखे गए. लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं, ये जो है ये टेम्परेचर ऑफ लास्ट 5 डेज हैं, तो आप मुझे फौरन बता देंगे कि जी ये टेम्परेचर रीडिंग है हमारे पास, इसको नोट डाउन किया गया है. ये अब हमारे पास क्या हो गई, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन गई. द डाटा हैज नाउ बिकम इंफॉर्मेशन, अब ये क्या हो गया, पूरा मुकम्मल इंफॉर्मेशन में हमारे पास बन गया. मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ इसी से मुतालिक, आपके बुक में पेज नंबर 4 पे बनी हुई है, डाटा कलेक्शन की भी और डाटा कैप्चर की भी. ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है टेम्परेचर का, मंडे में कितना है, ट्यूसडे में कितना है, वेडनेसडे में कितना है, थर्सडे में, फ्राइडे में, सैटरडे, संडे, पूरे वीक का इन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया, यानी रॉ फॉर्म में इन्होंने अपने पास नोट डाउन कर लिया. नोट डाउन करने के बाद इन्होंने डाटा कलेक्ट किया. डाटा कलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, अब वो कंप्यूटर में डाल ले. इन्होंने ये तमाम टेम्परेचर जो भी नोट डाउन किए थे पूरे वीक के, इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में डाल दिया और सामने इसके बता दिया. अब जैसे जैसे जब भी कंप्यूटर ओपन करेंगे, इन्होंने क्या किया, एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ इसको यहाँ कंप्यूटर में फीड कर दिया. और अब जब भी आने वाले वक्त में, जब भी ये जो है जिस भी वीक को ये खोलेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर इस वीक का इन्होंने टेम्परेचर नोट डाउन किया और आने वाले वीक का जो है वो टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, तो ये दोनों को मुवाजना कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर देख सकते हैं कि किस वीक में कितनी गर्मी थी और किस वीक में टेम्परेचर ज़्यादा आया है, किस वीक में नहीं. इसी तरह ये सालों का जो है डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको एनालिसिस के लिए किया जाता है, यानी एनालाइज किया जाता है कि किस साल कितनी गर्मी किस मंथ में पड़ी थी और उसमें किस वीक में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी. ये तो हो गया इनका डाटा कलेक्शन. ये छोटी सी एग्जाम्पल थी जो आपको पिक्चर के जरिए समझा दी, आपकी बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर मौजूद है. आगे हम पढ़ते हैं इसका टॉपिक, डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन होता क्या है, डाटा कलेक्शन इज द स्टेज. डाटा कलेक्शन एक ऐसी स्टेज है ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर इनपुट. एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर हम अपना तमाम डाटा क्या कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं,
कहाँ से, एनवायरनमेंट से अपने, और उसको तैयार कर रहे होते हैं किसके लिए, इनपुट करने के लिए. इन द अबव एग्जांपल दिस वुड मीन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर डेली फॉर 5 डेज. हमने जैसे हमने ऊपर पिक्चर में देखा था आपने, हमने कल जो है वो पिछले 5 दिन का जो है वो टेम्परेचर का डाटा रिकॉर्ड किया था अपने पास. तो इसी तरह द पेपर और डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज़ रिकॉर्डेड, जिस पेपर के ऊपर हमने या डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने अपना डाटा रिकॉर्ड किया था, व्हेन इट इज़ कलेक्टेड इज़ कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट. जो हमने कलेक्ट कर लिया था उसको हमने क्या कह दिया, सोर्स डॉक्यूमेंट. हमने उसको कह दिया सोर्स डॉक्यूमेंट. यानी कोई भी हमने पेपर जिसके ऊपर हमने, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेपर है, इसके ऊपर मैंने लिख लिया अपने पास जो कुछ भी मेरे पास डाटा था जो मैंने आसपास से कलेक्ट किया, वो मैंने इस पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लिया, इसको कह दिया गया सोर्स डॉक्यूमेंट. अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, डेटा कैप्चर. अब डेटा कैप्चर क्या है, डेटा कैप्चर क्या है, डेटा कैप्चर इज अ स्टेज ऑफ एंटरिंग द कलेक्टेड डेटा. डेटा कैप्चर क्या है, डेटा कैप्चर इज अ स्टेज, एक ऐसी स्टेज जिसमें हमने एंट्रिंग की थी क्या कलेक्टेड डेटा, यानी जो हमने अपना डेटा एक पेपर के ऊपर सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर नोट डाउन किया था, अब उस डेटा को हमने कहाँ डालना है, कंप्यूटर के अंदर फीड करना है, इनपुट करना है एक इन द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को रन करना है सच एज अ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के अंदर चलता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकोडिंग स्टेज. और क्या है इनकोडिंग स्टेज कहलाएगी, इनकोडिंग स्टेज क्या होती है हमारे पास, अच्छा जी इनकोडिंग स्टेज. अब देखें ये तमाम जो स्टेजेस हैं ये तमाम एक दूसरे से लिंक कर रही हैं. अब इन्होंने कहा कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया था अपने पास डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर हमने उस डाटा को क्या किया, कैप्चर किया, उसको हमने इंटर किया किसने, कंप्यूटर में. अब उन्होंने जो कंप्यूटर में इंटर किया उसको क्या कह दिया इन्होंने, इनकोडिंग. अब इनकोडिंग क्या है, अब इन्होंने यहाँ पर बताया इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ फॉर्म दैट इज़ ईजियर टू इनपुट. जो हमारे लिए डाटा को अपने पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए डाटा को आसानी से हम चीज़ इनपुट कर सकें इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, किसमें, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में यानी सीपीयू में. द डाटा कैन बी इनकोडेड, एक दफ़ा इनकोडेड हो गया यानी लिख दिया गया एज डे मंथ और ईयर. एक दफा हमने लिख दिया द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम शाहिद अली मे बी इनकोडेड एज अ एस ए. यानी फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ लिखी इन शॉर्ट, उसको हमने लिख दिया, इनकोड कर दिया किसमें, इन शॉर्ट वे में. जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई आपकी बुक के अंदर ही, शाहिद अली की, ठीक. अब मैंने इसको क्या इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया एस ए, यानी मैंने इनके इनिशियल्स इस्तेमाल किए. This saved a lot of time and reduced errors. इसने क्या किया, मेरा टाइम भी बचाया और एरर को भी रिमूव किया. यानी एक दफ़ा मैंने क्या लिखा, नाम शाहिद अली लिख दिया और उसके बाद मैंने इसे क्या किया, इनिशियल सेव कर लिए एस ए के नाम से. जब जब मैं जो है एस प्रेस करूँगी शाहिद अली लिखने के लिए जाऊँगी तो मैं एस ए प्रेस करूँगी तो शाहिद अली लिखा हुआ खुद ब खुद वहाँ पर मौजूद होगा, यानी लिखा हुआ आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर जा रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन की.
यानी ये हमारी हो गई फोर्थ हेडिंग, डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिशन क्या है? डेटा ट्रांसमिशन इज द स्टेज ऑफ सेंडिंग इनपुट डेटा टू द प्रोसेसर एंड कैरिंग इट अक्रॉस इट्स वेरियस कंपोनेंट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कैरिंग डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आउटपुट डिवाइस। यानी एक ऐसी स्टेज जिसमें हमने जो है तमाम इनपुट डेटा सेंड कर दिया, किसको? सीपीयू को। किस चीज़ के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। एंड कैरी इट अक्रॉस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, वो अपने तमाम कंपोनेंट्स के साथ हमारे डाटा को कंप्लीट करने के लिए लग जाता है वो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कैरिंग डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आउटपुट डिवाइस। और उसने क्या किया? अपना तमाम डाटा लेके कहाँ गया? प्रोसेसर के पास, प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसने क्या किया? उसको कंप्लीट किया। किस तरह? आउटपुट डिवाइस के जरिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाइए, नंबर 5, डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता है, हम क्लास 6 में भी काफी दफा पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में जो हम इंटरेक्ट करते हैं या बातें करते हैं या एक दूसरे को अपने व्यूज़ के बारे में बताते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। अब डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा के नाम से आपको डाटा को सबको पता है कि एक रॉ मटेरियल जो होता है, यानी रॉ फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। अब आइए देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अलाउ डाटा टू बी सेंड फ्रॉम वन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू अनदर। यानी जो भी हमने काम किया अब तक, जितना भी हमने काम कलेक्ट किया है अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, जितनी भी चीज़ें हमने देखी, वो तमाम चीज़ें क्या थी? हमारे इनपुट स्टेज का हिस्सा थी। अब वो जो तमाम चीज़ें हमने तमाम स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने पूरा अपना काम मुकम्मल किया, उसके बाद हमने क्या किया? उसको मुकम्मल करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद हमने वो इनपुट किस लिए? कंप्यूटर के अंदर किया, और कंप्यूटर ने क्या किया? उसको आगे बढ़ा के प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जब उसने हमें आउटपुट कंप्लीट करके दे दिया, आउटपुट डिवाइसेस के लिहाज से, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमने अपना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई हमारी, तो उसने क्या किया? हमें अब हमने क्या किया? वो इन्फॉर्मेशन लेके एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है हमारा। अब आ जाते हैं हम द प्रोसेसिंग स्टेज के ऊपर। प्रोसेसिंग स्टेज, द प्रोसेसिंग स्टेज इज वेयर रॉ डाटा इज ट्रांसफॉर्म इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू बी अंडरस्टूड बाय अ यूज़र। यानी जो इन्फॉर्मेशन यूज़र की समझ में आ जाए, जो हमने रॉ डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया था, उसके बाद उसने प्रोसेस किया, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, जो कि एक यूज़र को समझ में आ जाए इजिली, उसको कहते हैं हम द प्रोसेसिंग स्टेज। मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स टू प्रोसेस डाटा। मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, यानी आज के कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर क्या कर रहे होते हैं? तमाम कंप्यूटर जो है वो अब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, और उन्हीं के मुताबिक वो तमाम काम मुकम्मल करके, यानी प्रोसेस करके हमें आउटपुट स्टेज में दे देते हैं, यानी आउटपुट की फॉर्म में दे देते हैं। टिपिकल प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बगैर हम अपने कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? हमने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना हुआ भी है, 6 क्लास में भी हमने इसके बारे में काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डॉस, विंडोज़, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम मैथ के काम कर सकें, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड तमाम काम उसके ऊपर ईजिली किए जा सकते हैं। वेब ब्राउज़र एंड सो ऑन, इसके अलावा वेब ब्राउज़र और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जिसके ऊपर हम इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ब्राउजिंग कहते हैं, और उसको वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग स्टेज में हमें मदद करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग पे, पेज नंबर 5 के ऊपर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है द आउटपुट स्टेज। द आउटपुट स्टेज, अब द आउटपुट स्टेज क्या है आइए देखते हैं। द आउटपुट स्टेज इज वेयर इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा इज प्रेजेंटेड टू यूजर।
यानी एक ऐसी स्टेज जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं किसके सामने, यूज़र के सामने, इस्तेमाल करने वाले के सामने, हमने उसको कंप्यूटर ने हमारे सामने बिल्कुल साफ सुथरा यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हमें पेश कर दिया। आउटपुट इज प्रेजेंटेड थ्रू सेवरल आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर। आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए उसने हमें प्रेजेंट किया। आउटपुट डिवाइसेस इन्होंने यहाँ पे तीन बताई हैं, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। अब प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है प्रिंटर हमारे पास, जो हमारे हमें जो है इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ जो हम चीज़ काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर उसको एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारे सामने निकाल के पेश कर देता है, उसको कहते हैं प्रिंटर। इसी तरह आप अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी में दिखा रहा होता है हमारे पास तमाम आउटपुट जो है, और स्पीकर हम जो है तमाम आउटपुट जो है वो हम लिसनिंग के थ्रू यानी सुन कानों से सुन सकते हैं। आफ्टर यूजर्स हैव व्यू आउटपुट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द डाटा मींस एंड मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। यानी आउटपुट जो हमें नज़र आ रहा है उसके ज़रिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने डाटा को और हम उसको मेक डिसीजन, हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग, और उसको क्या कहा जाता है? डिकोडिंग। अच्छा जी, अब यहाँ हम पढ़ेंगे डिकोडिंग के बारे में। पहले हमने पढ़ा था इनकोडिंग के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिकोडिंग के बारे में। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग अकर व्हेन द इंफॉर्मेशन दैट अ कोड रिप्रेजेंट इज मेड अवेलेबल टू यूजर। जो यूजर को अवेलेबल होता है तमाम चीज़ें उसको डिकोडिंग कहा जाता है। व्हेन वी एंटर द इनिशियल एसए, जैसा हमने इनकोडिंग के वक्त पढ़ा था कि हमने क्या किया था, नाम पूरा लिखा था, नाम पूरा लिखने के बाद हमने क्या उसके बना दिए थे, इनिशियल बना दिए थे ऐसे। अब डिकोडिंग में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम इनिशियल पुट कर रहे हैं और कंप्यूटर हमें क्या कर रहा है, पूरा नाम खुद ब खुद लिखा हुआ दे रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था पहले इसको इनकोड कर दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं इसको डिकोड कर रहे हैं। तो हमारे पास आसानी होगा कि जब जब हम एस ए पुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो वो हमें पूरा नाम लिखा हुआ दे देगा, शाहिद अली। ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, इट इज कॉल्ड डिकोडिंग, और इसको क्या क्या कहते कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। अब आ जाइए अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, द स्टोरेज स्टेज के ऊपर। स्टोरेज स्टेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्टोरेज स्टेज होती क्या है। स्टोरेज स्टेज, अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड इफ आउटपुट कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। हमारे पास बहुत सारा टाइम हमारे पास सेफ हो जाता है जब हम कोई भी चीज़ अपनी काम की हुई चीज़ या अपनी बनाई हुई चीज़ को सेव करके रख दिया जाता है कि हम इसको बाद में या फ्यूचर में आने वाले वक्त में इसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। इसी तरह स्टोरेज स्टेज का भी यही है। अ लिस्ट ऑफ द डेली टेम्परेचर फॉर वन वीक कैन बी यूजफुल नेक्स्ट ईयर। जो हमने एक हफ्ते का जो हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया था वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है किस कब, अगले साल के लिए। इफ़ वी नीड टू कंपेयर द एवरेज, अगर हम एवरेज कंपेयर करना चाहें टेम्परेचर का फॉर टू ईयर, दो साल का, तब हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। द स्टोरेज स्टेज इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। स्टोरेज स्टेज क्या है, जहाँ हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज लेटर, हम बाद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वेयर कैन दैट इंफॉर्मेशन बी कैप्ट फॉर सो लॉन्ग, हम काफ़ी टाइम के लिए उसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। हार्ड ड्राइव एंड पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है और पेन ड्राइव यानी USB। हम यह अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए USB है, या अगर आपको नज़र आ रही होगी इस तरह की USBs होती है, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो हम इन पेन ड्राइव्स के अंदर भी हम जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सेव करके काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए रख सकते हैं। पेज नंबर 5 के ऊपर एक डायग्राम आपकी बनी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊँ। हम पढ़ रहे थे स्टोरेज स्टेज में आपके, अगर हम देखें यहाँ पर पेज नंबर 5 के ऊपर ही एक साइकिल की डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की डायग्राम है। अगर हम इस साइकिल को गौर से देखें तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट स्टेज आती है हमारे पास, और आउटपुट स्टेज के बाद हम क्या करते हैं, हम तमाम चीजों को स्टोर कर लेते हैं किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। ये हो गई हमारे पास एक पूरी कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया है स्टोरेज स्टेज का।
पढ़ेंगे।